हेलो एंड वेलकम टू घर का खाना। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन, 3 प्याज लंबे कटे हुए, 3 टमाटर लंबे कटे हुए, 1 बाउल दही, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी, हरा धनिया, 6 हरी मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और तेल। अब हम मटन कढ़ाई बनाने की शुरुआत करते हैं। पैन लेंगे, 4 चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक डालेंगे। एक चम्मच लहसुन डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और उसे 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार। मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें दही डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 50 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे और हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसे अपने ही पानी में पकने देंगे। मटन ने तेल छोड़ दिया है, अब हम इसे 15 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं। इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब हमारा मटन कढ़ाई तैयार हो चुका है, अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी मटन कढ़ाई। आप इसे पराठे के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।